औरैया में पिछले दिनों सोशल मीडिया पर बिकरू कांड के आरोपी विकास दुबे के नाम से फर्जी आईडी बनाकर कानपुर जोन के आईजी को धमकी दिए जाने के सनसनीखेज मामले का औरैया पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने कानपुर देहात के सिकंदरा निवासी एक युवक को औरैया के अचलदा क्षेत्र से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार पकड़े गए युवक ने एक युवती से दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी देकर युवती का लगातार शोषण करता रहा। पीड़िता के चचेरे भाई ने इसका विरोध किया तो उसे फंसाने के लिए फेसबुक आईडी से असलहे के साथ उसकी फोटो लेकर विकास दुबे के नाम से फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर आपत्तिजनक पोस्ट वायरल की गई। एसपी अपर्णा गौतम ने बुधवार को बताया कि एसओजी टीम व साइबर सेल की तकनीकी मदद से अचलदा पुलिस ने घटना के मुख्य आरोपी सचिन वर्मा पुत्र सत्यपाल वर्मा निवासी मटिया चौराहा इटावा रोड थाना बेवर कानपुर हाल मुकाम मालवीय नगर कस्बा सिकंदरा कानपुर देहात को गिरफ्तार किया। आरोपी सचिन वर्मा के पास से 4 अवैध तमंचा, 2 दर्जन जिंदा कारतूस, बड़ी मात्रा में खोखे, फर्जी शस्त्र लाइसेंस, 10 पासबुक, 6 बैंक चेकबुक, 2 एटीएम कार्ड्स, 2 टच मोबाइल फोन बरामद किए। एसपी ने बताया सचिन शातिर किस्म का अपराधी है जो फर्जी फेसबुक आईडी बनाकर लोगों को डराता, धमकाता, प्रताड़ित करता था। वो असलहे दिखाकर डराता था, लड़कियों को प्रभाव में लेकर उनका शोषण किया करता था। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी सचिन वर्मा का लंबा आपराधिक इतिहास है। उसके खिलाफ विभिन्न थानों में आधा दर्जन से अधिक मुकदमे हैं। पहला मामला उसके खिलाफ धोखाधड़ी और आबकारी अधिनियम का सिकंदरा कानपुर देहात में वर्ष 2016 में दर्ज हुआ। सिकंदरा पुलिस ने 2017 में उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई की थी। अचलदा थाने में उसके खिलाफ कुल 5 मामले दर्ज हैं, जिसमें दुष्कर्म किए जाने, अवैध असलहा रखने, धोखाधड़ी, आईटी एक्ट, धमकी दिए जाने से जुड़े मामले हैं। एसपी अपर्णा गौतम ने बताया कि बिकरू कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की फर्जी आईडी बनाकर जिन लोगों के शस्त्रों के साथ अचलदा के युवक राहुल सोनी की फोटो वायरल हुई, उन शस्त्र धारकों के विरुद्ध भी अचलदा थाने में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। फेसबुक पे कुछ पोस्ट वायरल हुए थे, उन वायरल पोस्ट में एक व्यक्ति का नाम आया था जिसका नाम राहुल सोनी था और वो अचलदा थाना क्षेत्र का रहने वाला था और उस जो फेसबुक पे पोस्ट किए गए थे उसमें कुछ असला लिए हुए उसकी फोटो थी और कुछ धमकियां भी उसमें दी गई थी, जिसमें पुलिस विभाग के कुछ उच्च अधिकारियों के बारे में भी धमकी भरे मैसेज उसमें डाले गए थे। इसी की जांच पड़ताल हमारी जनपदीय एसओजी टीम, साइबर सेल टीम और जो स्थानीय पुलिस है अचलदा की, उसके द्वारा की जा रही थी। और जब वो जांच की जा रही थी उसके दौरान राहुल सोनी नाम के युवक से जब पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसके द्वारा ये काम नहीं किया गया है, परंतु ऐसा एक व्यक्ति है जिसका उससे पुराना रिश्ता रहा है और उसकी परिवार की ही एक महिला से पहले अभियुक्त के संबंध थे और उसका विरोध करने पर वो उसको ज्यादातर धमकाता भी था और हो सकता है कि उसने इस तरीके का काम बदला लेने के लिए विरोध क्योंकि किया गया था उस रिलेशनशिप का, इसलिए किया हो। इस संबंध में जब पीड़िता से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि लंबे समय से ये व्यक्ति जो अभियुक्त है वो इसका शोषण कर रहा था और इसकी बहुत सारी फोटोज और वीडियोस भी इसके पास थी जो ये वायरल करने की अपने आप को इसको धमकी भी देता था। इस संबंध में पीड़िता द्वारा से बताया गया क्योंकि ये बहुत डरी हुई थी और अभी तक वीडियो वायरल होने खतरे से बात नहीं कर पा रही थी, परंतु पुलिस के मैटर संज्ञान में आने पे इसको पहले भी एक बार मुकदमा इसमें पंजीकृत किया गया था जब 504-506 की एक FIR की गई थी और उसके बाद पीड़िता ने एक लिखित तहरीर दी कि उसके द्वारा उसका शोषण लगातार किया जा रहा है और उसके 376 IPC का मुकदमा थाना चलना में पंजीकृत किया गया था। इसके साथ ही साथ जब अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई तो गिरफ्तारी के दौरान ये पता चला कि इसके पास से बहुत सारे इसके पास बहुत सारा असला है और कारतूस भी हैं और इसके साथ ही इसके पास थाने दो थानों की मोहर भी बरामद हुई है और एक फर्जी 2012 का लाइसेंस भी प्राप्त हुआ है जिसमें अग्रिम विवेचना हमारे द्वारा की जा रही है। इसके साथ ही जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि ये पूर्व में भी गैंगस्टर एक्ट का मुलजिम था, सिकंदरा कानपुर देहात से रह चुका है और अवैध शराब के निर्माण का भी एक मुकदमा इसके ऊपर पहले से पंजीकृत है। ये छात्र किस्म का अपराधी है, इसका नाम सचिन वर्मा है और ये बहुत हाईटेक यूज करता है फोन में, अपने फोन में कई जगह इसने लॉक्ड पासवर्ड्स
कि इसके साथ ऐसा कुछ बताया इसने कि इस तरीके का भी डॉक्यूमेंट इसने रखा हुआ है जिसकी फॉरेंसिक जांच हमारे द्वारा की जाएगी, तो पता चलेगा कि और क्या एविडेंस है। और अभी इसको जो 376 आईपीसी का जो ये मुलजिम है उसके लिए इसको न्यायिक अभिरक्षा में रिपोर्ट दी जिस खबर